अब हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा जितना भी इलेक्ट्रिशियन के लिए टूल्स होता है उस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिशियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण टूल्स होता है प्लायर, ठीक है। प्लायर जिसे हम लोग प्लास कहते हैं, ठीक है। तो प्लायर जो होता है वो बहुत मतलब चार पांच प्रकार का हो जाता है, जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, साइड कटिंग प्लायर हो जाता है, नोज प्लायर हो गया, राउंड नोज प्लायर हो गया, ठीक है। वो सब बहुत सारे प्रकार का होता है, सब के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता है कि प्लायर क्या होता है, तो प्लायर देखिए दो लेग वाला और दो जॉ वाला, ठीक है। मतलब देखिए प्लायर में क्या है कि दो टांगों वाला एक टूल्स होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी वस्तु को पकड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, या जो पतला पतला तार है उसको ऐड सकते हैं, या उसका इंसुलेशन जो कवर होता है वो हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या क्या होता है, ये दो हैंडल हो गया या लेग हम इसे कहते हैं, जिसके ऊपर इंसुलेशन लगाया हुआ रहता है, इसके ऊपर आपका पीवीसी का इंसुलेशन लगाया हुआ रहता है, ये इंसुलेटेड रहता है। कोई भी देखिए जो भी आपका इलेक्ट्रीशियन का जो भी टूल्स होता है, जो भी टूल्स होगा इलेक्ट्रीशियन का जो भी टूल्स होगा उसका जो हैंडल होगा वो इंसुलेटेड पदार्थ का होना चाहिए, या अगर धातु का है तो उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहना चाहिए। तो ज़्यादातर क्या किया जाता है, पीवीसी का होता है, पीवीसी इंसुलेटेड रहता है, पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया हुआ रहता है। आपका प्लायर हो जाए, स्क्रू ड्राइवर हो जाए, या टेस्टर हो जाए, ये सब पर रहता है, ठीक है। पीवीसी हो जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, आगे बताएंगे पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो जो भी आपका टूल्स होगा उसका जो हैंडल होगा उस पर पीवीसी हो या किसी भी इंसुलेटेड पदार्थ का मतलब कवर होना चाहिए। जैसे अब हैमर हो गया, हैमर में पीवीसी नहीं रहता है तो उसमें लकड़ी रहता है, तो लकड़ी भी विद्युत का कुचालक होता है, उससे विद्युत मतलब ये सप्लाई नहीं जा सकता है, विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो दोनों पैर है इसको जोड़ने के लिए यहाँ पर एक रिवेट होता है जिसे हम पीवोट कहते हैं, ठीक है। ये और ये घूमता है, इसी की सहायता से ये दोनों आपस में घूमता है, ये ऐसे रहता है और ये ऐसे रहता है, ठीक है। ये जो है ये यहाँ से ये सीधे रहता है और ये यहाँ से ऐसे रहता है, और इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक पीवोट लगा हुआ रहता है, ठीक है। और प्लायर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तु को पकड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, खींच सकते हैं, मोड़ सकते हैं, या मान लीजिए कि आपको पतला पतला धातु का कोई सीट है उसको मोड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं, वायर है उसको ऐड सकते हैं, एल्युमिनियम का वायर होता है या कॉपर का वायर है उसको ऐड सकते हैं, ठीक है, या उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम लोग प्लायर कहते हैं। और ये आपका आगे वाला जो धातु का भाग होता है ये कटिंग जॉ हम इसे बोलते हैं, ठीक है, जो जिससे काम किया जाता है, ये हैंडल है इसको पकड़ के दबाया जाता है तो फिर ये यहाँ दबता है और उसके अनुसार जो भी काम करना होता है हम लोग करते हैं, ठीक है। तो प्लायर हो गया। तो प्लायर में अब आपका अलग अलग जो प्रकार होगा उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको सावधानियाँ क्या होता है, जैसे प्लायर है, प्लायर का भी उपयोग करते समय सावधानी अपनाया जाता है, क्या क्या सावधानी होता है। तो प्लायर का उपयोग करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि प्लायर का जो हैंडल है उस पर इंसुलेशन चढ़ा हुआ है कि नहीं, और इंसुलेशन चढ़ा हुआ है तो उसका इंसुलेशन कहीं फट तो नहीं गया है, ठीक है। अगर ऐसा हो मान लीजिए कि हम पकड़ रहे हैं हैंडल को और कहीं से इंसुलेशन इसका हटा हुआ है और हमारा हाथ सट जा रहा है, संपर्क कर गया वहाँ पर, तो जैसे ही हमारा हाथ संपर्क करेगा, अगर यहाँ हम कोई मतलब कि लाइव वायर पकड़े हुए हैं जिससे सप्लाई जा रहा है तो हमें करंट लग सकता है, विद्युत का झटका लग सकता है, तो ये सब ध्यान देना होता है, ठीक है। या अगर मान लीजिए कहीं फटा हुआ है, काम करते समय हाथ में चोट लग सकता है, तो वो सब ध्यान देना है। और कटा फटा हुआ जो हैंडल वाला ये प्लायर जो है उसका हमें प्रयोग नहीं करना है,
इंसुलेशन चढ़ा हुआ रहना चाहिए। दूसरा क्या किया जाता है कि बारिश के मौसम में किसी मतलब कपड़ा में तेल से भीगो के और इसे पोंछ दिया जाता है, मतलब लेप समझिए कि एक प्रकार का इस पर तेल का ये मोबिल जो होता है उसका लेप चढ़ा दिया जाता है। किस लिए? कि इसमें जंग नहीं पकड़े। ये धातु का बना हुआ रहता है, हाई कार्बन स्टील का बना रहता है, ठीक है, तो ये जंग नहीं पकड़े। उसके लिए हम क्या करते हैं, आयलिंग करते हैं। उसके बाद ये जो घूमने वाला भाग है और ये जो घूमने वाला भाग रहता है, इस घूमने वाले भाग पर भी आयलिंग किया जाता है समय समय पर। इससे क्या होगा कि आपका ये आसानी से काम करेगा, मतलब ये जाम नहीं होगा, अकड़ जकड़ नहीं जाएगा, ठीक है, आपका आसानी से काम करेगा, ठीक है। तो ये सब सावधानी आपको करना है कि इंसुलेटेड वाला कवर होना चाहिए, कवर फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, और जो ये है आपका समय समय पर तेल इसमें डालते रहना है और तेल से पोंछ देना है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है विकर्ण कटर प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर। इंग्लिश में बोला जाता है विकर्ण कटर प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर, या इसे हम साइड कटिंग प्लायर कहते हैं। साइड कटिंग प्लायर को हिंदी में तिरछा काट प्लायर या पार्श्व कटिंग प्लायर कहा जाता है, ठीक है। जो साइड कटिंग प्लायर होता है इसे हम साइड कटिंग प्लायर कहते हैं, साइड कटिंग प्लायर, ठीक है। तो साइड कटिंग प्लायर ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, ये हैंडल हो गया और यहाँ पर ये तिरछा और ये अंदर की तरफ पतला होता है, ये ऐसे मोटा रहेगा और ये अंदर आपका पतला रहेगा, ये धारदार होता है, यहाँ पर ये पतला धारदार होता है। धारदार क्यों होता है, कि किसी भी तार को आप आसानी से काट सके या उसका इंसुलेशन हटा सके, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, विकर्ण कटर प्लायर, डायगोनल कटर प्लायर, साइड कटिंग प्लायर, तिरछा काट प्लायर, पार्श्व कटिंग प्लायर, ये सब इसी का नाम है। इसे आप साइड कटिंग प्लायर कहिए या डायगोनल कटर प्लायर कहिए, अगर हिंदी में कहना है तो तिरछा काट प्लायर, पार्श्व कटिंग प्लायर, विकर्ण कटर प्लायर, सब इसी को बोला जाता है, ठीक है। तो साइड कटिंग प्लायर या डायगोनल कटिंग प्लायर जो होता है, इसका प्रयोग आपका जो तार होता है उसका इंसुलेशन हटाने के लिए, काटने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो कोई कोई तार जो होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कि कहीं ये आपका टर्मिनल जैसे को होता है, मोटर जनरेटर हो गया या कोई भी उपकरण है उसका टर्मिनल होता है, तो एकदम मान लीजिए कि टर्मिनल के पास सटा हुआ है, थोड़ा सा वायर अंदर से निकला हुआ है, उसे हमें काटना है या उसका इंसुलेशन हटाना है, तो वहाँ पर हम साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग करते हैं। वहाँ पर अगर क्वेश्चन आता है कि ये टर्मिनल के पास वाले वायर का इंसुलेशन हटाने के लिए या उसे काटने के लिए किस प्लायर का प्रयोग करेंगे, तो साइड कटिंग प्लायर ऑप्शन में हो सकता है, डायगोनल कटिंग प्लायर हो सकता है, अगर हिंदी में है तो तिरछा काट प्लायर, पार्श्व कटिंग प्लायर या विकर्ण कटर प्लायर, ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता है। तो ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, डायगोनल कटर प्लायर हो जाए, साइड कटिंग प्लायर इंग्लिश में हो गया, और हिंदी में दो तीन नाम अलग अलग है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ठीक है। और साइड कटिंग प्लायर का एक ही प्रयोग है, केवल हम वायर को काट सकते हैं जो कम व्यास वाला, ज़्यादा मोटा नहीं। अब जैसे कि 4 mm तक या मान लीजिए 6 mm तक का तार है, बेसिकली 4 mm तक का तार ही काट सकता है, 6 mm थोड़ा मोटा हो जाता है, वहाँ पर भी काट सकता है, ठीक है। 6 mm तक मान लीजिए कि इससे वायर आप काट सकते हैं और उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं, ठीक है। तो यह बोल रहा है कि इसका प्रयोग कम व्यास वाले तार या केबल जो टर्मिनल के पास होते हैं उन्हें काटने के लिए किया जाता है। तो टर्मिनल के पास जो होता है आपका, टर्मिनल के पास जो वायर या केबल होगा, ठीक है, उसका इंसुलेशन हटाना हो या उसे काटना हो तो हम साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। इसमें भी आपको सावधानियां वही अपनाना है कि इसका जो हैंडल है इस पर इंसुलेटेड होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर ये इंसुलेशन चढ़ा हुआ होना चाहिए,
इंसुलेशन ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर इंसुलेशन ख़राब है तो वो प्लायर उपयोग में नहीं लाना चाहिए। आप दूसरा सही अच्छा वाला प्लायर, साइड कटिंग प्लायर उपयोग करिए, ठीक है। और इससे आपको स्टील का तार या धातु लोहा का तार जो होता है उसका मतलब काटने का प्रयास नहीं करिए। अगर काटते हैं तो क्या होगा, इसका जो धार है, जो कटिंग जॉ है, वो ख़राब हो सकता है, फिर आपका तार काटने में दिक्कत होगा। इससे आप मुलायम धातु का तार काट सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया और कॉपर हो गया। बेसिकली हम लोग क्या वायर उपयोग करते हैं, एल्युमिनियम का या तांबा का, दो ही उपयोग होता है, ठीक है। तो इससे आप एल्युमिनियम या तांबा का वायर काट सकते हैं या उसका इंसुलेशन हटा सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, तो धातु का, अगर जैसे कि स्टील का वायर हो गया या लोहे का वायर हो गया या जो भी कठोर धातु का वायर है, लोहा का या स्टील का या कोई भी कठोर धातु का अगर वायर है, तो उससे आप नहीं काट सकते, ठीक है। साइड कटिंग प्लायर से नहीं काटिएगा, उससे क्या होगा, इसका कटिंग जो खराब हो सकता है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है, हमारा अगला जो टूल्स है वो है इंड कटिंग प्लायर। इंड कटिंग प्लायर, ठीक है, इंड कटिंग प्लायर का मतलब हो गया कि प्लायर का जो लास्ट वाला ये जो पॉइंट है, इसी की सहायता से हम कोई भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका कटिंग जॉ भी है, कटिंग जॉ सबसे लास्ट वाला पॉइंट होता है इस प्लायर में, यही जो है इसी से काम होता है। यह हैंडल है, इसके ऊपर इंसुलेशन लगाया हुआ है, चढ़ाया हुआ है, पीवीसी का इंसुलेशन है, ठीक है। तो ये जो आप लोग देखे होंगे, जैसे छोटा छोटा कील जो होता है लकड़ी में, अगर कील है कांटी, उसको निकालने के लिए हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। या आप क्या कर सकते हैं कि पतला पतला जो कम व्यास वाला जो तार है उसको काटने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आप देखे होंगे कहीं दुकान पर रहता है ऐसे चिमटा जैसा रहता है, ठीक है, उसकी सहायता से आप कील निकाल सकते हैं और कम व्यास का जो तार है उसको आप काट सकते हैं, ठीक है। तो ये इंड कटिंग प्लायर होता है, ठीक है। देखिए इंड कटिंग प्लायर का कहाँ प्रयोग होता है, तो इस प्लायर का प्रयोग कम व्यास वाले तार को काटने, कम व्यास मतलब पतला पतला जो तार है। देखिए व्यास का मतलब सभी लोग जानते हैं, पढ़े होंगे, व्यास का मतलब होता है ये पूरा डायमीटर, ठीक है, और इसका आधा जो भाग होता है उसे हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। तो तार जो है वो गोल होता है, कोई भी वायर जो होता है वो उसका आकार गोल होता है। तो गोल होने के कारण ही इसका जो क्षेत्रफल है वो व्यास से निकाला जाएगा, तो फिर व्यास इसलिए बोला जाता है, ठीक है। तो जो पतला पतला तार है उसको हम काट सकते हैं, ये आपका जो इंड कटिंग प्लायर है, इंड कटिंग प्लायर से हम पतला पतला तार काट सकते हैं। और लकड़ी हो या पीवीसी का कहीं बोर्ड है उसमें कील है तो उसको हम निकाल, कील मतलब कांटी निकालने में किया जाता है। ये कितना कितना साइज में होता है, तो 130, 160, 180, 200, 210, 240 mm लंबाई तक ये होता है या आपको मिल सकता है, ठीक है। हमारा अगला टॉपिक है नोज, ये फ्लैट नोज प्लायर,